सबको ओम। आज हम सब लोग देखेंगे कि किस तरह से आलस्य से हम काम को टालते रहते हैं और वह काम हमारा कभी हो नहीं पाता है। हम बहुत सारे काम अपने मन में लिए रहते हैं और सोचते कल कर लेंगे और कल कभी आता ही नहीं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो दीर्घ सूत्री काम को देर में करता है और विषाद माने दुख में रहने वाला प्राणी है, वो तामस प्रकृति का है। तो आप सब इस जज करें कि क्या ये तामस प्रवृत्ति आपके भीतर है? अनावश्यक दुखों को ही दुख मानते रहना और आलस्य करते रहना, ये दोनों ही प्रवृत्तियां हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत घातक है। अगर हम अपने व्यक्तित्व का विकास चाहते हैं तो आलस्य तो दूर भगाना होगा, साथ ही साथ किसी काम को जो रोज रोज टालने वाली परंपरा है उससे भी हटना होगा। सही डिसीजन लेने के लिए हमें परिस्थितियों पर विचार करके, आगे पीछे सोच करके उसी समय निर्णय ले लेना है। चाहे उसके पॉइंट को आप लिख सकते हैं, लेकिन बार बार फिर उसको रोज रोज उसको आगे खसकाते रहना, रोज रोज उस पर विचार करना, ये हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए घातक है, हमारे समय का व्यय करता है और न उसे हम परेशान होते। तो निर्णय लेने के लिए नहीं ले पा रहे तो कुछ चीजों को लिखें, उसके प्लस माइनस को नोट करें, लोगों को सलाह लें, फिर निर्णय ले लें, लेकिन अनावश्यक देरी न करें और काम को रोज रोज कल पर न टाले। कबीर दास जी का दोहा तो सभी लोग जानते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परले होगी बहुर करे को। लेकिन हम लोग इस पर दोहे को तो जानते हैं लेकिन अपने काम को टालते रहते हैं। इसके साथ ही साथ आलस्य को दूर करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आलसी व्यक्ति कहते हैं ना कि नष्ट हो जाता है। तो हमें सक्रिय रहना है। भगवान ने जरूर कहा कर्माणि उत्कर्षति मा फलेषु, जब हम कर्म में ही अधिकार, फलों में नहीं, लेकिन कर्म को टालना भी उचित नहीं है। कर्म करते रहना है। कर्म करने के लिए सुबह प्लानिंग बनाएंगे, प्लानिंग के अनुसार देखिए क्या क्या नहीं हो रहा है, फिर उसके अनुसार अपना लगे रहना है। जीवन आसान हो जाता है अगर हम करते हैं। और डर से तो बिल्कुल कभी कभी होता है ना, कुछ काम हम डर से नहीं करते हैं, पता नहीं क्या होगा, उसमें हमारा बड़ा घाटा हो जाएगा, ऐसा होगा। लेकिन आपको एक अनुभव होगा, जब आप कोई परीक्षा देते हैं उसमें फेल भी होते हैं, लेकिन अनुभव साथ रह जाता है। अगली बार जब कोई काम करते तो अनुभव आपके काम आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, हमें अपने जीवन में सहज ढंग से काम करना चाहिए और बहुत कठिन काम है तो उसे सरल ढंग से करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन चल पड़ना चाहिए। काम को टालते रहना उचित नहीं है। तो मुझे विश्वास है कि हम सब काम को नहीं टालेंगे और अच्छा काम करेंगे।